गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। टुडे वी शैल स्टडी एक्सरसाइज 2.3। ओके, इन एक्सरसाइज 2.2 वी हैव स्टडीड द मल्टीप्लीकेशन ऑन होल नंबर्स using different properties, commutative properties, associative properties, distributive properties. Okay, so we start now exercise 2.3. in this exercise we will use different type of concept on whole numbers. Okay, exercise 2.3, first question, which of the following will not represent 0? Okay, 1 plus 0, 0 into 0, 0 upon 2, 10 minus 10 upon 2. Okay, so let's see question first. Problem A, वॉट इज प्रॉब्लम ए? 1 + 0, हमें दिखाना है कि ये 0 से रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ओके, सॉल्यूशन 1 + 0 इज इक्वल टू 0। ओके, सो व्हाट वी राइट, यस 1 + 0 will represent 0. Okay, problem B, what is that, 0 into 0, when we multiply any number by 0, so we find 0. Okay, so 0 into 0 is equal to 0. What we write? Yes, 0 into 0 will represent 0. Okay, next problem C, what is that, 0 by 2, 0 upon 2, 0 divided by 2. Okay, 0 by 2 is equal to 0. When we divide any number by 0, we find quotient 0. So we will write here, yes, 0 upon 2 will represent 0. Okay, so we move on next D problem. Sorry, 10 minus 10 upon 2. 10 minus 10 upon 2, definitely we can solve it, and also you can solve it. So we see that 10 minus 10 is equal to 0, and we have solved here, when we divide 0 by any number, quotient is 0. When we divide any number by 0, or when we multiply any number by 0, or 0 by any number, so we find product 0 and also quotient 0. So keep this concept in your mind. Okay, so we move on next question. If the product of two whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स. ओके, यदि दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, सो उनमें से एक डेफिनेटली 0 होगा. ओके, सो बी सी इट, यस, इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर होगा 0. व्हाट, यस,
क्वेश्चन सेकंड, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रहा हूँ कि इन सॉल्यूशन में आप क्या राइट करेंगे। यस वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। ओके, वी मूव ऑन नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल वन? जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स। ओके, क्वेश्चन थर्ड। अब यहाँ पर तो हम इसको जस्टिफिकेशन, आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट में, क्वेश्चन सेकंड के जस्टिफिकेशन, तो क्वेश्चन फर्स्ट में आप लोगों ने प्रॉब्लम्स देख ली हैं। जीरो को हम वन से मल्टीप्लाई करें या जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें, बोथ कंडीशन वी फाइंड जीरो। क्वेश्चन थर्ड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, कैन वी से दैट वन आर बोथ ऑफ देम विल वन? सो व्हाट विल बी अपन सॉल्यूशन? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज वन, सो इन दैट कंडीशन बोथ ऑफ देम, व्हाट इज सॉल्यूशन? बोथ ऑफ देम विल बी जीरो। ओके, वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। इफ एनी ऑफ दीज टू चेंज, सो क्वेश्चन विल चेंज। इफ बी पुट हियर जीरो, सो क्वेश्चन विल बी जीरो। इफ बी पुट हियर टू, सो इट विल अगेन। ओके, सो वी मूव ऑन। क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट वन इज दैट 728 इंटू 101। ओके, सो वी कैन राइट इट इन दिस वे, 728 इंटू 100 प्लस 1। ओके, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी व्हाट वी फाइंड? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी फाइंड दैट 728 इंटू 100 प्लस 1, इट कैन बी रिटन एज 728 इंटू 100 प्लस 728 इंटू 1। ओके, सो व्हाट वी फाइंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 720 इंटू 100? वी फाइंड 72,100, एंड बाय 1 वी फाइंड 728। नाउ वी कैन ऐड देम। ओके, हियर वंस टेंस प्लेस पर जीरो है, सो यहाँ पर टेंस और वंस का 8 रखेंगे, 28, 7 प्लस 8 15, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 70,528। यू फाइंड दैट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, इट बिकम्स ईजी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। सो आई एम शोइंग यू हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम सी, 824 इंटू 25। ओके, सीट 824 इंटू 25, इट कैन बी रिटन एज 824 इंटू 20 प्लस 5, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
वी कैन राइट 824 इंटू 20 प्लस 5 एज 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5 ओके 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 8 जा 16 प्लस 5 4 जा 20 0 हियर टू कैरी 5 2 जा 10 प्लस 2 12 कैरी 1 5 8 जा 40 प्लस 1 41 नाउ वी कैन ऐड देम 0 0 8 प्लस 2 10 0 हियर 1 कैरी 4 प्लस 1 5 कैरी 1 6 एंड 6 प्लस 4 10 0 हियर 1 कैरी 1 प्लस 1 2 20,600 ओके सो रिमेनिंग प्रॉब्लम बी डी एंड ई यू हैव टू सॉल्व एज होमवर्क ओके एंड लेटर नेक्स्ट क्लास वी विल एक्सप्लेन यू अगेन.